हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। आई एम फॉर यू ओनली। ओके, सो दिस इज योर पार्ट टू, सैम्पल पेपर टू। दिस इज योर लेक्चर नंबर पार्ट टू। ओके, वी आर सॉल्विंग सैम्पल पेपर टू फॉर टर्म वन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक हाथ में पेन उठा लो बच्चों और दूसरे हाथ में कॉपी पकड़ लीजिए और फटाफट से रेडी हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया था लास्ट पार्ट वन में। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। पार्ट टू हमारा लेक्चर है इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। एंगल बी, एक ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल मैं बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, मतलब ये इक्वल होगा ई, और एफ जो है वो सी के इक्वल है, मतलब ये एफ होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू, और क्या चीज़ गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 3DE। ए बी जो है 3 times है डी ई के, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो इस ट्राइंगल से बड़ा है। देन द टू ट्राइंगल्स आर, तो बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट होंगे बट सिमिलर नहीं होंगे। ऑप्शन टू, ऑप्शन बी सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ऑप्शन सी नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर, ऑप्शन डी कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑप्शन ए इज कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन बी इज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन सी इज नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ऑप्शन डी इज कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। बताइए क्या होगा। इसमें एक कंडीशन ये दे दिया है, चलिए एंगल तो इक्वल था, ठीक है, ये एंगल की इक्वल था, ये एंगल की इक्वल था, तो हम सिमिलर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए। अब इसमें एक कंडीशन ये दे दिया कि ए बी जो है ये वाली साइड जो है इस साइड से बड़ी है, तो कॉन्ग्रेंट तो किसी हालत में नहीं हो सकता ना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट में सारे ऑल साइड्स ऑल एंगल्स सब इक्वल हो जाते हैं, बट सिमिलर में नहीं होते हैं ऐसा। सिमिलर में मैंने बताया था ना, एक ट्राइंगल जो दूसरे ट्राइंगल बस ओवरलैप कर दिया तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भैया ये सिमिलर हो सकता है कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन इज योर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री का आया है, फटाफट सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए। अरे सर क्वेश्चन तो लिख लीजिए। अरे आई एम राइटिंग नॉट हियर। कॉस स्क्वायर 22° प्लस कॉस स्क्वायर 68°, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63° प्लस कॉस 63° साइन 27°। चलिए ऑप्शंस दे दूं, चलिए ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, 2, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है 0। चलिए बताइए क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करो फटाफट करो। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर 22, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए 22°, इसको आप चेंज कीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 68 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 - 68° का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, है ना। नीचे भी आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप कॉस स्क्वायर 22 रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 68 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 68 सब डिग्री में ही है मान के चलिए, है ना, होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, किसको चेंज करेंगे, कॉस 63 एज इट इज, साइन 27 को चेंज करेंगे तो कॉस 90 - 27, क्योंकि कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। देखो कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 68 वही है, समझ में आ रहा।
अब बस अब तो आ गया आंसर, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 90 माइनस 68 करेंगे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसको भी देखो 90 माइनस 68 करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री है ऑलरेडी, कॉस 90 माइनस 27 कितना आता है 63 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा ये भी है ना, एक 63 डिग्री है दूसरा ये भी है तो इनटू कर देंगे कितना हो जाएगा, दोनों कॉस 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 स्क्वायर। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, एंगल सेम है ना, यहाँ पे भी देखो एंगल सेम है इसकी वैल्यू भी 1, यहाँ पे भी एंगल सेम है इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 आंसर कितना आएगा 2, देयरफॉर आंसर विल बी बी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं नोट करने के लिए आपको टाइम देता हूँ क्योंकि मुझे भी रब करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था हमारा जबरदस्त सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर हमारा कितना आया था 2 आया, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैं लेके आता हूँ आपके लिए, सर कहाँ से लेके आएंगे, तो मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ आपके लिए है ना, सब्जी बाजार से 2 रुपये किलो, नहीं 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 बेटा यहीं पे है मेरे पास सारे क्वेश्चन, मैं खरीद के लेके आ गया हूँ एक बार में, होलसेल में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस है ना। सो अब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, सब्जी बनानी और खाना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स लेके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 tan थीटा, लाइन से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, फटाफट वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, देन आपको बताना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा वाला तो सैंपल पेपर 1 में भी हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो फिर भी ट्राई कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। वन बाय टू, ऑप्शन ए इज 2/3, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1/3 एंड ऑप्शन डी इज 3/4, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, एम आई लुकिंग स्मार्ट और नॉट, टेल मी एम आई लुकिंग स्मार्ट और नॉट, टेल मी, चलिए कमेंट करके बताना, चलो इधर ध्यान दो, स्मार्ट स्मार्ट दिख रहे सर, स्मार्ट दिख नहीं आए हो आप, पढ़ाने आए हो हमको, पढ़ाने आए हो बेटा, चलिए पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऊपर वाले से कॉस थीटा हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 sin थीटा, इसके पास कॉस थीटा नहीं था ना, तो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इधर -1 हो जाएगा, इसमें से आप कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे, सेम 4 sin थीटा अप॑ॉन कॉस थीटा प्लस 1, आप देखिए ये cos theta will be cancel out, 4 tan theta minus 1 upon 4 tan theta plus 1, कितना आ जाएगा आंसर, 4 tan theta की वैल्यू हमको गिवन है 3 minus 1 upon 3 plus 1, therefore 2/4 that is 2, 1 जा 2 जा, 1/2 is your answer, that means option B will be your answer, note it down, note कीजिए, ओके नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया ना, चलिए फटाफट, चलो रब कर रहा हूं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे लिख देता हूं मैं, हाँ ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉस ए इज इक्वल टू गिवन है आपको 4/5, तो टेन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन ए गिवन है आपको, ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 1/8 है ना, फटाफट से बताइए कॉस ए की वैल्यू, मतलब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल लगा दे तो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अरे याद है कि नहीं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, पी बी पी अपॉन एच एच बी है ना, ये ट्रिक था,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता था? साइन थीटा का। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता था? कॉस थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है? टेन थीटा का। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये जो है हमारा बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो एक ट्राइंगल बना लो, बेस जो है कितना है? फोर। हाइपोटेनियस कितना है? फाइव। तो ये फोर है, ये फाइव है। जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री। सॉल्व करके देख लो ठीक है। फाइव का स्क्वायर 25, 25 माइनस फोर का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना? 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। देयरफॉर योर आंसर विल बी 3। तो परपेंडिकुलर मिल गया। अब टेन ए की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला क्या है? पी बाय बी। पी की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 4। 3/4 इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी था क्वेश्चन नंबर 15, ये तो और इजी है। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, टेन ए बताना है। अरे इतना इजी क्वेश्चन यार, कितना इजी क्वेश्चन है। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 कितना डिग्री में आता है? साइन 30 डिग्री में आता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। तो बताइए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन ए, सॉरी टेन ए नहीं पूछा था आपसे, कॉट ए पूछा था। कॉट ए पूछा है डियर। तो कॉट 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही है हमारा। नेक्स्ट, ये भी, अरे यार ये भी तो इजी सा क्वेश्चन है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, साइन थीटा आपको गिवन है इज इक्वल टू ए बाय बी, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कितना सिंपल है। अभी तो ये फॉर्मूला लिखा हूँ, इसी फॉर्मूले से बनेगा। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शंस बता देता हूँ मैं आपको इसमें। ऑप्शन ए है बी अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका बी अपॉन ए। ऑप्शन सी है आपका रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। एंड ऑप्शन डी है आपका ए बाय रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बताइए क्या होगा। साइन, कई बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा ए बाय बी दिया है तो कॉस थीटा बी बाय ए होगा। अरे भैया क्यों होगा? साइन थीटा कभी कॉस थीटा के ऑपोजिट होता ही नहीं है चैंपियंस। व्हाट आर यू डूइंग यार, से सॉरी शक्तिमान। से जिन बच्चों ने बी बाय ए किया है वो सॉरी शक्तिमान बोलेंगे सब एक साथ, से सॉरी शक्तिमान, है ना। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे साइन थीटा जो है, अभी फॉर्मूला मैंने बताया है यार, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से आप ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर मतलब ए, ये इसकी ए और ये बी, ये गिवन है। तो बेस की वैल्यू कैसे आएगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। आप बता दीजिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये है हमारा, हाइपोटेनियस बी है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? अरे कैसा क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, अब आ जाइए ज्योमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री देख के कई बच्चे खुश हो जाते हैं और कई बच्चे, अरे सर ट्रिग्नोमेट्री आ गई सर, हमसे तो ट्रिग्नोमेट्री ना बनता। ऐसे करते बच्चे, अरे ट्रिग्नोमेट्री कौन सा हुआ है यार, जबरदस्ती अब डरते हो। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड किया हुआ है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रायंगल, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ट्रायंगल हो गया। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? आर। तो ये हो गया आर, मतलब लार्जेस्ट ट्रायंगल बोल दिया है, मतलब ये क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई ट्रायंगल की, है ना। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2R, जो ट्राइंगल का बेस भी हो गया और सेमी सर्कल का डायमीटर भी हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया पूछ रहा है इसका, तो इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है? 2R, हाइट कितना है? R, 2 कैंसल आउट, R इंटू R कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, R स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए है इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट, आर स्क्वायर
आर बाय स्क्वायर बाय टू, टू आर स्क्वायर एंड रूट टू आर स्क्वायर, ये चार ऑप्शन थे, तो आर स्क्वायर इज योर आंसर। इफ द पेरीमीटर, ये क्वेश्चन हमने लास्ट सैम्पल पेपर में भी सॉल्व किया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं रीड करने वाला हूँ, तो मैं रीड करूंगा और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, सेम टू सेम सॉल्व करना है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, ठीक है, बताइए। चलिए, जिसने मेरा सैंपल पेपर वन पूरा देखा है, चारों लेक्चर्स, उससे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए। अरे मेरे साथ बस सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ बच्चों, देखो आपके क्या धासू को मार्क्स आते हैं आपके। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 out of 100 लेके आएंगे या 100% रिजल्ट लेके आएंगे मैथ्स में, नो, मैं ऐसा आपको गलत दिलासा नहीं दूंगा बच्चों। आप मेहनत कीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए और फिर दोबारा उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये है आपकी मेहनत, ऐसे आपको पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसे करेंगे तो जरूर आएगा आपका 40 marks का है ना, 40 out of 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करेंगे तो। और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए, हो गया, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया आपने। चलिए मैं बताता हूँ क्या बोला है, कि एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, और एक स्क्वायर है जिसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है, 4a, ये दोनों आपस में इक्वल है, याद आ रहा है, लास्ट सैंपल पेपर में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब क्या करेंगे, अब क्या करो आप, 2π/4, 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो और r को आप उधर ट्रांसपोज कर दो। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ 4 को ट्रांसपोज किया था और a की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे कुछ और ही है बच्चों, उसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर इनके बीच का रिलेशन पूछा था, है ना, कि कौन दोनों में से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे आपको उसका रेशियो पूछा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1/r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 by 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5/2 आएगा, 1/r इज इक्वल टू 5/2। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगाओ, कहाँ पे सॉल्व करूँ, चलो ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, AC/AS मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ व्हाट, स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। अब ये देखिए, इसको मैं आर बाय ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट। अब आर बाय ए लिखा मैंने, ए बाय आर की वैल्यू है पाई बाय टू, आर बाय ए है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/2 लिख सकता हूँ। अब होल स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब क्या मिलेगा, π/4π² 1π/1π कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/π की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 2 2 जा 4, 2 11 जा, देयर फोर 7 2 जा 14 रेस टू 11, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अरे बोलिए बाबा, सर कैसे बोले, अरे कमेंट करके बोलिए बाबा, कमेंट करके बोलिए जल्दी फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स। हमको एक बिग सर्कुलर पार्क बनाना है जो कि टू सर्कुलर पार्क के एरिया के इक्वल है, ठीक है, उन दोनों जो छोटे छोटे सर्कुलर पार्क हैं उनका डायमीटर दिया हुआ है 16 meters and 12 meters, तो रेडियस दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 meters, उनका जस्ट हाफ, और R2 कितना हो जाएगा, 6 meters, ठीक है, इन अ लोकेलिटी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी, तो नया जो पार्क बनेगा उसका रेडियस कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो एरिया में इक्वल है ना, तो पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 10 meters, ऑप्शन बी जो है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, याद आ रहा है, अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किया है तो याद जरूर आ रहा होगा, और आपने अभी तक सॉल्व भी कर दिया होगा, और ऑप्शन जो है टिक भी कर दिया होगा, कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करो, अरे कमेंट करो भाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो बड़ा वाला जो सर्कुलर पार्क है उसका जो एरिया है दो छोटे 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 से जो पार्क है उनके एरिया के इक्वल के एडिशन के इक्वल, ठीक है,
तो यहाँ से देखिए पाए 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 तीनों में से कॉमन लेके क्या हो जाएगा, सो कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, आर वन की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, आर टू की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा 100। आर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया गया है। अब सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आपको 8 मीटर, तो सर्कल का ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी इसका रेडियस होगा, तो ये 8 और ये 8, ये स्क्वायर का क्या दिख रहा है हमको, डायगोनल दिख रहा है। वैसे इधर भी देखो ये जो है जो डायमीटर है सर्कल का वो स्क्वायर का क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, डायगोनल। तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल दिख ही रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, बताइए क्या फार्मूला है, बताइए फटाफट, जब तक मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए ऑप्शन बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 64 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे एरिया निकालना है स्क्वायर का, फटाफट निकालिए भाई, फटाफट निकालिए, अरे निकालिए, क्या होगा आंसर, कैसे निकालेंगे, बस यार ये फॉर्मूला लगा दो, डायगोनल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। और डायगोनल की वैल्यू आपकी 16, 16 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256 आएगा, है ना, 256 होता है बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर ऑप्शन बी। क्लियर है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके एज योर विश फटाफट सॉल्व कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया आपने, है ना, वीडियो को पॉज करके कर लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे, सैंपल पेपर 2 ही सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, उसका थर्ड पार्ट, ठीक है, ऐसे करके पार्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे ताकि जो है ज़्यादा जो है वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा लंबी ना हो, छोटे छोटे वीडियो हो और आप कंफर्टेबली क्या कर सके, रीड कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।